जस्ट अ मिनट, विल स्टार्ट विद दैट। हम लोग जो अपना कह रहे थे, मेरे पास एक आध मैसेज आए थे आयुष वगैरह के कि वो मुझे भेजेगा, और मैंने कहा था चलो भेज देना, मैं वही वाले शीट से तुम्हारे लेजर पोस्टिंग हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसने एकदम टाइम पे करके कैसे भी बना के भेजा है। नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जो इतना बड़ी शीट्स अगर आप लोगों ने ट्राई की है और बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम उसी को ले लेते हैं। एक बार भेज दिया उसने तो विल टेक दैट इटसेल्फ। ठीक है, एकदम अभी कोशिश किया होगा, कहीं बाहर है वो, मैसेज आया था, मैंने कहा ठीक है। सो लेट अस डू दैट। एक सेकंड, ओके। सो ये सॉल्यूशंस आए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेंडरीज एज पर परचेज बुक, बिल्कुल सही है ना। मैं अभी आपके सामने इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ में है, ओके। तो इसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी इस ढंग से, इसको मैं इमेज मैं इसको चेंज भी नहीं कर पाऊंगा, इसको ओरिएंटेशन आई विल चेक दिस, मैं इसको चेक कर लूंगा। ओके, अब ये देखो दो अकाउंट जो है उसने दो दो पेज में बनाए हैं, लंबे लंबे अकाउंट्स बिकॉज टू राइट देम प्रॉपरली। एनीवे ठीक है, गुड। तो ये अच्छा है, मतलब ये जो मेहनत है ना आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, हेल्प यू अलॉट। आजकल मैं जो देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ज्यादा आती है वही आती है कि बच्चे आजकल वो लिखना का बनाना नहीं चाहते, उतनी हैबिट ही नहीं होती प्रैक्टिस की। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने अगर कोई बच्चे की आदत से डाल दी है और अगर वो बच्चे करने लग रहे हैं, तो जब हम लोगों के बोर्ड एग्जाम होते थे तो बोर्ड एग्जाम्स के मतलब एग्जाम्स अभी तो हो ही नहीं रहे दो एक साल से, पहले जब हुआ करते तो जो कुछ अच्छे बच्चे होते थे वो 30-30, 40-40 पेपर्स करके बैठते थे बोर्ड एग्जाम, क्योंकि उनकी इतनी स्पीड बन जाती थी। इतना प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं लेकिन हर कल करता नहीं है, अब जो लोग कर लेते हैं उनकी आदत से बन जाती है। सो दैट हेल्प्स देम टू राइट सो मच। तो जब बोर्ड एग्जाम्स आया उसके पहले वो 30-40 टाइम्स पेपर कर लिया, वो 3-3 घंटे की वो भी, और इतनी स्पीड हो जाती है। That helps them. उससे बहुत हेल्प रहती है। गुड, एनीवे सो प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है, नाइस। और भी किसी ने सॉल्व किया? अभी मेरे पास ये पूरा सॉल्यूशन सिर्फ आयुष का आया है कि और भी किसी? यस सर। यस जयेश, जयेश की आवाज थी, किसकी थी? जयेश की। जयेश, अच्छा ओके। तो अभी भेजना है तुमको ना, तुमने भी भेज नहीं पाओगे। सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा एकदम से कि कौन सा लेजर पोस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि सब्सिडी बुक्स में आ रही है। लेजर पोस्टिंग में, ठीक है लेजर पोस्टिंग हम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये अच्छा है, इतना प्रैक्टिस किया आपने तो अब आपने जो किया है, आयुष तुम भी इसको मैच करके देख लेना, है ना। अपन इसको करते जाते हैं एक ढंग से वो दिखता जाता है। ये हमने इसकी टोटलिंग कर दी है, ये हमारी कौन सी बुक थी कल, कॉलमनर परचेस बुक, इसको हमने टोटल कर दिया। अब कॉलमनर सेल्स बुक का हमें टोटल चाहिए, तो आप मुझे टोटल बता दीजिए भाई, आपने किया हो किसी ने सेल्स बुक का टोटल बता दीजिए फटाफट, लिख लेते मुझे ये। आप प्राइस वाले कॉलम का बता रहे हो? हाँ बोलो। 34,200। नहीं बेटा 34,200 कैसे? 275. ओके ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इज ये हमारा शायद वो है CGST। हाँ 12,028.5 यही है, टोटल सेम टोटल हमारा SGST का भी आ जाएगा। IGST का
और दिस फाइनल टोटल 2,81,448.5 और ये टोटल जो है हमारा ऐसे भी आना चाहिए और ये टोटल हमारा ऐसे वाले कॉलम से भी मैच होना चाहिए दोनों ढंग से. कॉल्यूमर रिटर्न बुक, ये कॉल्यूमर रिटर्न बुक में कौन सी सेल्स रिटर्न बुक, ये सेल्स रिटर्न बुक का टोटल भी हम ले लेते हैं. ठीक है, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए, एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप करा हुआ. ये टोटल हमारा यहाँ पे आएगा, ये तो दिख रहा है मेरे को, दैट इज 7,478.40 and then this total adds up to 8,366.4. Good. Now columnar purchase returns book. ये हमारा हो गया, that is 31,600. इसमें नहीं है कुछ भी, CGST में नहीं है, SGST में नहीं है, IGST में. This total is 3,792. Then ये वाला final total 35,392. ओके, डन. जनरल में नहीं करो, मैंने बता दिया था आपको, इसका टोटल तो कोई पोस्ट होता नहीं है इसलिए मैं टोटल नहीं करूँ, बाकी आप कर सकते हैं इसको. मैंने बताया था इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू जब आप ट्रांसफर करते हैं, बाकी ठीक है ना. अब मैं आ रहा हूँ परचेज अकाउंट, अब मैं एक एक बुक ऊपर से बुक वाइज पोस्टिंग कर रहा हूँ, परचेज बुक की पोस्टिंग करनी, परचेज बुक की पोस्टिंग करनी, तो ये वाला जो टोटल है परचेज का, दिस टोटल गोज टू परचेज अकाउंट टू सनरीज एज पर परचेज बुक. ये जो टोटल है टू सनरीज एज पर परचेज बुक आएगा, दिस टोटल एंड ऑफ द मंथ ये आ गया. फिर उसके बाद वापस परचेज बुक में हम जा रहे हैं, ये हो गया हमारा. फिर इसके बाद ये सीजीएसटी, ये इनपुट सीजीएसटी परचेज का, तो इनपुट सीजीएसटी आया और इनपुट एसजीएसटी, तो मैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी में सनब्रीज लिखूंगा क्योंकि टोटल है, तो ये टोटल है, तो दिस इज नॉट इनपुट सीजीएसटी में मुझे टोटल लिखना, तो मैं यहां लिखूंगा सेम थिंग, यहाँ पे जो लिखा है मैंने यही की यही चीज यहाँ पे आएगी, टू सनरीज एज पर परचेज बुक. अच्छा ठीक है, सेम थिंग आई विल बी राइटिंग इज इनपुट एसजीएसटी, यहाँ पे भी आएगा, आईजीएसटी में भी आएगा, तो मैं यहाँ तो लिख के रख लेता हूँ. नाउ दिस टोटल, ये जो 8,760 था ये एससीजी में भी था और ये एसजी में भी था, ये हो गया. अब आपके सामने है आईजीएसटी का क्या टोटल था कॉलम का, चलो ठीक है एक बार अपन ऊपर ही देख लेते हैं. परचेज बुक में आईजीएसटी का टोटल था 46,272, ये हमारा आईजीएसटी का टोटल था, तो ये भी मैं आईजी सनरीज तभी यूज करना है जब आप टोटल लिख रहे हो, जहां भी टोटल लिख रहे हो वहां पे आपको सनरीज ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक इन एक नहीं है कई सारे, ये आ गया. सिमिलरली हमारे पास परचेज बुक में, मैं ऊपर आता हूँ तो परचेज बुक के अंदर ये जो फ्रेट और पैकिंग है ये भी मिक्स सभी का है ना. अब ये फ्रेट खरीदते समय आया तो हम चाहे एक ही फ्रेट अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फ्रेट खरीदते समय दे रहे हैं फिर कस्टमर से हम चार्ज कर लेते हैं, तो एक दफा हमारा खर्चा लगता है फिर दूसरे का हम उससे ले भी ले रहे हैं तो वो एडजस्ट भी हो रहा है, तो एक ही फ्रेट अकाउंट बना सकते हैं. 2,700 or 200 पैकिंग में मैं डाल दूंगा 200, ठीक है दोनों में ले लेते हैं. ये भी सनरीज ही लिखा जाएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो डी टोटल, इसमें मिक्स है, तो इसका अलग अलग लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या? नहीं टोटल तो अब एक ही साथ लिखोगे ना, टोटल का मतलब हो गया कि वो मिक्स है ना उसके अंदर सभी का,
तो अलग अलग नहीं लेंगे हमको जो नहीं। जब पार्टीज के अकाउंट में लिखते हैं तब हम अलग अलग लेंगे, जहां पे भी हम टोटल ले रहे हैं वहां पे हम एक साथ ले लेंगे। ओके ये हमारा 200 हो गया एंड देन दिस इज आल्सो सेम थिंग हियर टू सेंड दिस फॉर परचेस। और ये जो है ये हो गया ठीक है ऐसा। ये हमारे परचेज बुक की टोटल की पोस्ट होंगे। अब मुझे इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट करना किसके किसके अंदर पार्टीज के अकाउंट में हो जाएगा। जब मैंने परचेज किया देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखिए लॉजिकली भी सोचिए इस चीज को। जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा मैं साइड में ऐसा करता हूँ ना, जो मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ ना इसकी एंट्री भी देते जाता हूँ, आपको समझ में आएगा मैंने एक्चुअली में किया क्या। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,31,600, इनपुट IGST डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, फ्रेट, फ्रेट भी मेरा खर्चा ही लग रहा है मैं दे रहा हूँ सब सब, फ्रेट भी डेबिट हो रहा है, पैकिंग भी डेबिट हो रहा है ठीक है। और अगर मैं इसका अमाउंट लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं अमाउंट भी लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज इतनी एक पूरी एंट्री इसके एक साथ कर 8760। मुझे क्रेडिट किस किस को करना है, क्रेडिट करना है कि क्रेडिट किस, हाँ ये गोयल फैशन हाउस पार्टी जिन जिन से खरीदा है गोयल फैशन हाउस को क्रेडिट करना है। क्रेडिट किस, अब यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे, ये गुड्स का अलग लिखेंगे, बाय परचेजेस, बाय IGST इनपुट अलग लिखेंगे, बाय फ्रेट अलग लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको। तो ये मुझे तीनों फिगर चाहिएंगे 1,38,16,560 और 900। तो अगर आप लोग ये बता सकेंगे तो मुझे ऊपर बार बार नहीं आना पड़ेगा, मैं गोयल वाले उसमें जाता हूँ अकाउंट के अंदर जिन पार्टी से मैंने खरीदा। वो डेट दिखा नहीं, डेट जो थी वो डेट आप लिखेंगे, यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट पे परचेज किया, फिर यहाँ आप लिखेंगे बाय परचेजेस जितने गुड्स परचेज किए, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय इनपुट IGST था, बाय फ्रेट था, ऐसे लिखना। तो ये इस सब का जो टोटल होगा वो अपने आप उतना हो जाएगा जितना अकाउंट उससे जो टोटल अमाउंट है। तो परचेज अकाउंट के अंदर परचेज का अमाउंट आएगा, परचेजेस का जो टोटल था उसका दैट वाज 1,38,000, तो मैं यहाँ पे 1,38,000 लिख देता हूँ। देन इनपुट 16,550 ये आ गया और फ्रेट 900। अगर आप ये देखें इन तीनों अमाउंट का जो टोटल है ना, ये तीनों अमाउंट का टोटल, दिस टोटल इज वुड बी एग्जैक्टली दी सेम एज दिस टोटल जो यहाँ पे हमने फाइनल टोटल ये लगा है। बस ये चाहिए हमें, गोयल फैशन हाउस को टोटल इतना पेमेंट करना है जिसके अंदर गुड्स की भी कॉस्ट आ गई, IG भी आ गया, फेड भी आ गया, तो उसके अकाउंट में मैं अलग अलग ये तीनों चीजें लिख देता हूँ एंड दिस अमाउंट टोटल इज टू बी पेबल टू देम। तो बस, तो मेरी एंट्री क्या हुई, तो गोयल यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गोयल फैशन हाउस इज क्रिएटेड बाय 1,55,460, ऐसे एंट्री होगी। तो ऐसे अभी हम बाकी सारी पार्टियां लिख देंगे तो मेरी एंट्री पूरी मैच हो जाएगी। तो इसी ढंग से हमको सबकी पोस्टिंग करनी, ये पार्टीज के अकाउंट में अलग अलग लिखेंगे। दिस इज ऑन July 2, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है July 5, सीताराम एंड कंपनी इंदौर का है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें ये मुझे अलग अलग चाहिए। तो सीताराम एंड कंपनी इंदौर में 1,46,000 ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूं,
बाय सीताराम एंड जुलाई 2। इसके अंदर भी आएगा बाय परचेजेस, यहां पे था सीजीएसटी बाय इनपुट सीजीएसटी। बाय फ्रेट, आई थिंक बाय पैकिंग भी था उसके अंदर। ये इतना सारी एंट्रीज इसके उसके क्रेडिट में आएंगे एंड दिस ऑल टोटल जो है ये अपने आप जो है ये टोटल उसके बराबर हो जाएगा जो उसको अपने को पे करना है। अमाउंट मत ध्यान है किसी को? परचेजेस का है 1,46,000। हाँ, एसजीएसटी का है 8,760। तो यहाँ पे मेरी एंट्री में क्या हो गया, तो दैट मीन्स सीताराम एंड कंपनी को कितने से क्रेडिट किया, इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,64,820। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजी डेबिट इनपुट सीजी डेबिट इनपुट एसजी डेबिट फ्रेट डेबिट पैकिंग डेबिट टू गोयल फैशन हाउस टू सीताराम एंड कंपनी, ये पूरा पूरा अमाउंट ऐसे बन रहा है और डेबिट के अंदर इन सब का टोटल जुड़ा हुआ है, परचेज का भी इनपुट का भी सब चीजों का। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सीताराम एंड कंपनी। दूसरी पार्टी कौन सी थी हमारी जिससे हमने खरीदा है, थर्ड पार्टी इज अल्पना गारमेंट कोलकाता, इससे हमने ये खरीदा, इसमें भी आईजीएसटी। तो आप ये भी बता दीजिएगा मेरे को अल्पना गारमेंट कोलकाता का भी अमाउंट, तो मैं आ रहा हूं अल्पना गारमेंट कोलकाता में। यहाँ डेट अगर ध्यान हो तो डेट किस डेट को खरीदा वो बता दीजिए। जुलाई 10। हाँ, बाय परचेजेस एक पर आएगा, इसमें आईजीएसटी है, इसके अंदर फ्रेट था, पैकिंग शायद नहीं थी। हम अमाउंट बता दीजिए क्या क्या है इसके अंदर। 1,03,600। हाँ, 12,432। हाँ, 700। टोटल है 1,16,732। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर टू अल्पना गार्मेंट्स 1,16,732। तो ये अब एक और पार्टी बची है लावण्य, इसको भी हम लिख देते हैं एंट्री। जुलाई डेट नहीं ध्यान, डेट 23। डेट 23, ओके। 23rd को खरीदा है, बाय परचेसेस न्यू दिल्ली है, तो इसमें भी आईजीएसटी लगेगा। और इसमें फ्रेट भी होगा मेरे ख्याल से? नहीं है सर, पैकिंग फ्रेट दोनों नहीं है। हाँ, बता दीजिए अमाउंट बता दीजिए इसमें कितना कितना है। 1,44,000। हाँ, 17,280। यार, दिस इज माय। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैं अगर क्रेडिट कर दूं लावण्य शर्ट्स न्यू दिल्ली को भी टू, ये जो टोटल है हमारा कितना आ रहा है, ये 1,61,280। This is the entry which we have done for purchases. ये हमने पूरे महीने की purchases की entry की। इसको हमने ledger में post किया। Purchase account में total 531 गया, input IG में 8760 गया, input CG में ये गया, input SG में ये गया, freight में गया, packing में गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब मुझे इन चार parties को इतना इतना payment करना है जिसके अंदर
टैक्स भी आ गया, जीएसटी भी आ गया और परचेस भी आ गया। ये हुई परचेजेस बुक की लेजर पोस्टिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉलम में परचेज बुक हो गया। अब मैं आ रहा हूं कॉलम में सेल्स बुक। अब सेल्स बुक की पोस्टिंग करनी, सेल्स बुक के अंदर सेल्स बुक का टोटल हमने निकाल लिया। ये टोटल जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में, ये हमारा एसजी है, ये सीजी है, ये सीजी है, ये एसजी है, ये आईजी है, फ्रेट है, पैकिंग है एंड लाइक दैट। तो अब ये अमाउंट्स आपको मुझे बताने रहेंगे, पहले तो मैं इनमें सब में वो लिख लेता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये सेल्स बुक के अंदर आपको ये ध्यान रखनी कि जब आप सेल्स बुक की पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये जीएसटी जितने हैं ये सारे सारे आपके आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएंगे। और ये फ्रेट और पैकिंग अकाउंट हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, जब हमने खर्च किया तो फ्रेट डेबिट किया, अब हम कस्टमर से उसको रिकवर कर रहे हैं तो फ्रेट हमको वापस मिल जा रहा है, थोड़ा सा फ्रेट खर्चा हमारा निकल जा रहा है। तो आप कुछ लोग इसमें दो तरीके करते हैं, हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग ले लें। इसको हम कहते हैं बेचने पे फ्रेट, ये परचेस का फ्रेट है, तो इसको मैं बोल दूं फ्रेट इनवर्ड्स या फ्रेट इन, इसको मैं फ्रेट इन या फ्रेट इनवर्ड्स भी बोल सकता हूं। और इसी ढंग से जो मैंने अपनी सेल्स बुक में दिया है फ्रेट, वो मैं फ्रेट आउटवर्ड बोल सकता हूं। मैं ऐसा ही करता हूं, लेट मी डू दैट, फ्रेट को अलग अलग कर लेते हैं। ये आपको इसलिए समझिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड मतलब खरीदने में फ्रेट दिया, और ये फ्रेट आउटवर्ड है। लेकिन ये फ्रेट आउटवर्ड इसलिए नहीं लूंगा मैं कि ये फ्रेट जो है मैं कस्टमर से रिकवर कर रहा हूं। दो तरह का फ्रेट होता है। मैं एक सेकेंड, मुझे एक मिनट का पॉज लेना रहेगा, जस्ट मिनट। तो ये जो मैं फ्रेट की आपसे बात कर रहा था, इसके ऊपर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, अभी हमने जो किया उसमें हमने ये किया है कि जब हमने परचेस किया तो हमने फ्रेट को पे किया, हमको भाड़ा लग गया टू पार्टी जिनसे हमने खरीदा। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जब मैं अपने कस्टमर को माल, फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये तो हमने परचेज पे किया, फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए मैं इंदौर में बैठा हूं और मेरे पास कोई कस्टमर आता है देवास का और उसने मुझे फोन पे ऑर्डर दिया कि सब आप माल भेज दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। अब उससे ये बात हुई है कि अगर मैं उसको इंदौर के रेट पे देता हूँ, मतलब मैं अपने गोडाउन से अपनी शॉप से देता हूँ, तो उसका जो रेट लगेगा, मान लीजिए उसने मुझे एक ऑर्डर दिया है कुछ कंप्यूटर सेट्स का ऑर्डर दिया, ठीक है, एक कंप्यूटर जो है वो 40,000 का है और उसको 10 कंप्यूटर चाहिए, और उसने कहा कि ठीक है, तो मैंने कहा मेरी शॉप से ले जाइए, 40,000 का है प्लस टैक्स वगैरह, टैक्स मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन टैक्स प्लस जीएसटी। उसने कहा आप ऐसा कीजिए, अगर आप मुझे देवास में डिलीवर कर दें तो मेरे घर पे या मेरी शॉप पे आ जाए, डायरेक्टली आ जाए और भाड़ा आप दे दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसके रेट अलग लगेंगे। सपोज मैं उसके रेट उसे बोल देता हूँ भाई फिर आपके रेट जो है 41,200 प्लस जीएसटी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अपना जो रेट कोट कर रहा हूँ वो रेट मेरे इंक्लूडिंग फ्रेट थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं उसको माल बेचूंगा तो मैं एंट्री करूंगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आईजीएसटी टू सेल्स या जो भी है ना आईजी, चलो ठीक है मैं जीएसटी लगा लेता हूं, वो कोई खास बात नहीं, टैक्स को मैंने यहाँ पे पार्टी टू सेल्स एंट्री की। लेकिन यहां पर जो मैं फ्रेट मैं पे करूंगा, मुझे तो देना पड़ेगा फ्रेट उसको भेजने के, तो यहां पर भी फ्रेट मेरा डेबिट ही होगा, मैं यहाँ पे फ्रेट टू कैश करके खर्चा करूंगा, लेकिन ये फ्रेट को मैं अपने प्रॉफिट में बढ़ा दूंगा, अपना मार्जिन बढ़ा के ले लूंगा उस। तो इसका मतलब ये कहने का है कि एक बिजनेसमैन फ्रेट परचेस करने पे भी दे सकता है और एक बिजनेसमैन फ्रेट सेल्स करने पे भी दे सकता है। दोनों केस में फ्रेट डेबिट ही हो रहा है, मैं परचेस कर रहा हूं तो भी डेबिट हो रहा है, माल बेच रहा हूं तो भी डेबिट हो रहा है,
तो यहाँ पर भी वो मेरा एक्सपेंस है, यहाँ पर भी एक्सपेंस है, लेकिन ये यहाँ पर एक्सपेंस इसलिए है, ये एक्सपेंस तो है लेकिन इस एक्सपेंस को मैं प्रॉफिट में ले ले रहा हूं, तो वो तो प्रॉफिट अलग निकलेगा लेकिन मेरा एक्सपेंस तो हो रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? तो मेरा सिंपल इतना कहना है कि अगर मैं फ्रेट को गुड्स खरीदने में देता हूं तो यहाँ पे दो तरह का फ्रेट हो गया, एक फ्रेट ऑन परचेजेस, और दूसरा है फ्रेट ऑन सेल्स। पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोनों ही मेरे एक्सपेंस है, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन आता है। मैं आज आपको ये समझा रहा हूं ये पॉइंट, ये फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट ऑन सेल्स आगे चैप्टर्स में आएंगे, तो आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये दोनों हाँ बट आपने तो फ्रेट ऑन सेल्स को हमारा एक्सपेंस नहीं होता ना, क्योंकि वो तो नहीं, नहीं, उस, वो अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आप उसकी बात करो, अभी उस पे आता हूँ, उस पुराने एग्जांपल वहां पे मैं आता हूँ। यहाँ पे फ्रेट ऑन सेल्स मेरा एक्सपेंस, मैंने कस्टमर को, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि देवास की पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया, तो मैंने क्या किया, अपना रेट बढ़ा दिया ना उससे, मैं उससे ज्यादा हायर प्राइस पे दे रहा हूँ ना उसको कुछ, तो मैं अपना खर्च मैं खर्चा कर सकता हूँ ना, क्या दिक्कत भाई। मैं जो 40,000 की चीज दे रहा था मैं 41 की दे रहा हूँ, तो मैं बढ़ा के ले रहा हूं ना उससे प्राइस, तो ये मेरा फ्रेट ऑन परचेज हो गया, ये मेरा फ्रेट ऑन सेल्स हो गया, दोनों एक्सपेंस। लेकिन और इन दोनों एक्सपेंस है तो दोनों का डेबिट बैलेंस होगा। इस फ्रेट ऑन परचेज को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेट इन, और इसको हम कहते हैं फ्रेट आउट, इसको हम कभी कभी हम इसको भी कहते हैं फ्रेट इनवर्ड्स, इसको हम कहते हैं फ्रेट आउटवर्ड्स, ये बात समझ में आ रही है आप लोग, दोनों एक्सपेंस। तो हो सकता है अब आप ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी दो फ्रेट अकाउंट अलग अलग खोलूं, नहीं मैं एक ही फ्रेट अकाउंट खोलूं, मतलब जब मैं खरीद रहा हूं तो भी मैं फ्रेट को डेबिट कर रहा हूं, जब मैं बेच रहा हूं तो भी फ्रेट को डेबिट कर रहा हूं, ठीक है बात तो सारी एक ही है, अल्टीमेटली जो फ्रेट खरीदने में ये भी मेरे प्रॉफिट से माइनस होगा, फ्रेट बेचने में वो भी मेरे प्रॉफिट से माइनस होगा, लेकिन बेचते समय मैंने ज्यादा रेट में बेच दिया वहां प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली एक ही बात है, चाहे मैं खरीदने में बेच रहा हूं। तो कुछ लोग फ्रेट का एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ लोग फ्रेट के दो अकाउंट खोल सकते हैं, ये कहने का मतलब। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे जो पॉइंट मैं मेन आपको समझाना चाह रहा हूं पहले, कि आप अगर फ्रेट इन देखें कहीं लिखा हुआ या फ्रेट आउट देखें, तो ये ध्यान रखिए कि दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों का ही डेबिट बैलेंस है, फर्क सिर्फ इतना है एक हमने खरीदने में दिया है और एक हमने बेचने में दिया, बस इतना सा फर्क है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जो गुड्स एक्सपेंसेस खरीदने में होते हैं, मैंने कल की जो इवनिंग की क्लासेस 7 o'clock उसमें पॉइंट डिस्कस कर, जो खरीदने में गुड्स प्रोजेक्ट के सेकंड वाले जो वीडियो डाला है, फ्रेट इन जो होता है खरीदने में वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और जो बेचने में फ्रेट होता है उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, क्योंकि बेचने से रिलेटेड, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है उसको डायरेक्ट है, जो बेचने में वो इनडायरेक्ट, यहां तक ये चीज है, ठीक है। अब ये पॉइंट हुआ, अब मैं आप जो आस्था बात कह रहा हूं वो बात कर रहा, अभी मैंने कस्टमर को गुड्स बेचा तो मैं उससे क्या कह ले रहा हूं, उसको कह देता हूं कि भाई पार्टी जिसको बेचा टू सेल्स, और यहां पर मैं फ्रेट को क्रेडिट कर ले रहा हूं, मतलब अगर मैंने कोई फ्रेट खर्च किया है कस्टमर को माल बेचने में भेजने में, हो सकता है मैंने जिस कस्टमर को माल भेजा उसको जब भेजा तो मैंने भाड़ा दे दिया उसकी तरफ से, ये इसका 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 आपने कोई ट्रांजेक्शन्स कभी कभी देखे होंगे, ये ट्रांजेक्शन इस अकाउंट का मतलब होता है फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगर हम कस्टमर के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हम अगर किसी कस्टमर के बिहाफ में फ्रेट दे रहे हैं तो फ्रेट क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि जब हमने पहले फ्रेट दिया होता तो हमने कर दिया फ्रेट टू कैश, अब ये फ्रेट मैं कस्टमर से रिकवर कर ले रहा हूं, तो जो सेल्स बुक में फ्रेट आया है
वो ये वाला फ्रेट है, ये वाला, और वो फ्रेट आउटवर्ड नहीं है, आउटवर्ड का तो डेबिट ही बैलेंस होगा, बाकी हम ये वाला फ्रेट जो हमने दिया है वो हम रिकवर करेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैंने आपसे कहा था लेजर में फ्रेट आउटवर्ड इनवर्ड अकाउंट खोल दे, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं खोलेंगे, ये टू फ्रेट वाला अकाउंट, ये फ्रेट हमारा है क्रेडिट होगा, ये हमने जो पहले फ्रेट दिया है वो हमने रिकवर कर लिया, ऐसा मान के चलिए। एनी क्वेश्चन हियर? सर तो एट लास्ट सेल्स में करेंगे, मतलब जो फ्रेट है परचेजेस वाला उसको डेबिट करेंगे और जो सेल्स वाला फ्रेट है उसको हम क्रेडिट करेंगे, बस। और एक ही अकाउंट में करना, आपको अलग अलग अकाउंट में नहीं करना, कभी भी फ्रेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, फ्रेट हमारी रेवेन्यू नहीं है, जहाँ पे डेबिट हुआ है उसी अकाउंट को आप क्रेडिट कर सकते हो, बस कहने का मतलब इतना। ओके तो ये हमारा आ गया, ये सेल्स, सीजी, एसजी, आईजी, फ्रेट और ये पैकिंग। ये मुझे अमाउंट बताते जाइएगा, मैं इसकी पोस्टिंग कर देता हूँ। ओके ओके, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट कितना याद है कुछ आपको सेल्स का? 247,275। ये सिर्फ सेल्स वाला टोटल है ना? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये मेरा आ गया सेल्स आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी में कितना है? 12028.5 तो 12,028.5 हो गया ये हमारा। सेम थिंग विल कम इन आउटपुट एसजीएसटी आल्सो, तो ये हमारा आउटपुट एसजीएसटी में भी आएगा। ठीक है, अब मेरे को बचा फ्रेट वाले में आईजीएसटी में भी आना है। आईजीएसटी में कितना अमाउंट है? 5,616. अब ये मेरा फ्रेट अकाउंट है, यहां पर मैं लिखूंगा बाय सनवीज एज पर सेल्स बुक। ठीक है, बाय सनवीज एज पर सेल्स बुक, इसका टोटल कितना है? 3,750। ठीक है, पैकिंग में भी था, पैकिंग में भी था, तो पैकिंग में भी था ये फॉर्मेट। ओके, हाँ पैकिंग में कितना था सेल्स बुक में? 750। मतलब हमने खर्च ज्यादा किया और वसूल ज्यादा, मतलब खर्च कम किया वसूल ज्यादा ली, इस अकाउंट से तो ऐसा लग रहा है, जो ये गलत है टेक्निकली। हो सकता है हमने कुछ कैश में पे किया हो पैकिंग का, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप प्रॉफिट तो पैकिंग पे नहीं लेंगे, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, हम कभी कभी चार्ज कर देते हैं, बट डज नॉट हैपन नॉर्मली। ये तो परचेज बुक की पोस्टिंग है 200 रुपए की, हो सकता है हमने कैश में पैकिंग का कुछ सामान खरीदा हो तो कैश बुक में आएगा, तो कैश बुक हमने बनाया नहीं है, तो इसलिए ऐसा इसका क्रेडिट बैलेंस अभी यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है, ये हमारा हो गया सेल्स बुक का टोटल्स का। अब हम सेल्स बुक से पार्टीज के अकाउंट में लिखेंगे, जितनी पार्टी हैं जिनसे हमने खरीदा उन सबके डेबिट में आएगा। मनीषा गारमेंट स्टोर के डेबिट में आएगा टू सेल्स, टू आई इनपुट, टू आउटपुट आईजीएसटी, टू फ्रेट, टू पैकेज, ठीक है। न्यू गारमेंट स्टोर के डेबिट में आएगा टू सेल्स, टू इन आउटपुट सीजीएसजी एंड टू फ्रेट, ठीक है। ये हमारे पास कितनी पार्टीज है, तीन चार पार्टीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मनीषा गारमेंट वगैरह के, आप मुझे अमाउंट, आप लोगों को ध्यान है तो मुझे बताते जाइएगा, नहीं तो फिर मैं ऊपर से उसको लूंगा, ठीक। जिस डेट पे वो यहाँ पे आएगा टू सेल्स आउटपुट जीएसटी जीएसटी, मुझे इन सबसे ये लेना है, फिर टू फ्रेट है, अरे आईजी थोड़ी आएगा, सीजीआईजी सभी थोड़ी आएगा, टू फ्रेट पैकेज, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमने पैकिंग के अकाउंट के अंदर टोटल लिख दिया, लेकिन ये अमाउंट यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट होगा, ठीक है, ये सब पे अलग अलग क्रेडिट होगा, ठीक है। सर सिर्फ आईजीएसटी है, ठीक तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब सेल्स का अमाउंट मालूम है, इसमें सिर्फ आईजीएसटी है। अच्छा ठीक है, बताइए, हाँ अमाउंट बताएं। अमाउंट ध्यान है किसी को? 46,800 फिर यहाँ पे भी हमारे पास ये मनी, अब इसी ढंग से न्यू गवर्नमेंट का मैं ऊपर बार बार नहीं जा रहा हूँ। डेट मालूम है क्या मनीषा गवर्नमेंट की, कब खरीदा? 8 को, और ये फिर दूसरा हमने नहीं करा, हाँ 13 यहाँ पे भी आ गया टू सेल्स, यहाँ पे क्या है, ये ग्वालियर तो सेम स्टेट है, तो टू सीजीएसटी एसजीएसटी, इसमें क्या क्या है, फ्रेट और पैकिंग वगैरह सब है, सिर्फ फ्रेट है, तो ये हमारा टू फ्रेट आ गया। हाँ अमाउंट बताएं। 34,200 सर। हाँ सर, वो मनीषा वाले में शायद आउटपुट जीएसटी गलत है, आउटपुट आईजीएसटी गलत है मनीषा वाले में, ओके सर 5,616 आएगा, 5,616 ओके। तो ये फ्रेट, अब फ्रेट कितना है न्यू गारमेंट वाले का, 600 और कुछ है इसके अंदर, हो गया ये हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी नेक्स्ट पार्टी, रतन गार्मेंट्स गुना, तो ये भी हमारे पास विद इन द स्टेट है, इसके अंदर भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बताइए सेल्स वाइज इसकी कितनी है, ये भी गुप्ता विद इन द स्टेट है।
रतन गारमेंट्स गुना की जो हमारी सेल्स है ₹1,09,350, ठीक है 6561, ₹1,09,350 सेल्स बुक के अंदर रतन गारमेंट्स का जो है ये 109,350 एंड 6561 एंड देन 1500 फ्रेट, ठीक है ये मैं नहीं चाह रहा हूं ये इसके अंदर सेल्स का अमाउंट है 1,09,350 फिर ये जीएसटी में 6561 सेम थिंग हियर फ्रेट है हमारा 1,005 या ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट सेव गुप्ता वेयर्स नेक्स्ट पार्टी इज गुप्ता वेयर्स सेल्स बुक के लिए गुप्ता वेयर्स ये इनसे हमने इनको सेल किया है 56925 एंड देन 3415.45 देन दिस इज फ्रेट इज 900 एंड पैकिंग इज 300, ठीक है तो हम आ जाते हैं नीचे गुप्ता वेयर्स में यहाँ पे सेल्स का अमाउंट है 56,925 3415 ये आ गया सेम फ्रेट यहाँ पे 900 यहाँ पैकिंग भी है ठीक है ये हो गया हमारा सेल्स बुक की पोस्टिंग हो गई परचेज बुक कर दिया हमने और सेल्स बुक कर दिया पार्टीज के भी हो गए और जनरल अकाउंट्स भी हो गए पार्टी के भी हो गए और जनरल अकाउंट्स भी हो गए ये हो गया अब मैं आ रहा हूं एक एक करके सेल्स रिटर्न्स बुक के अंदर सेल्स रिटर्न्स बुक पर सेल्स रिटर्न्स बुक के अंदर अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ मनीषा गारमेंट स्टोर और रतन गारमेंट्स गुना ठीक है ये दिस बुक इज माय सेल्स रिटर्न्स अच्छा तो यहाँ पे मनीषा गारमेंट स्टोर में आएगा 4320 और आईजी है 518.4 रतन गारमेंट्स में है 3150 189 और 180 बस ठीक है अच्छा इनकी बुक्स का टोटल भी तो करना होगा अपने को ना ठीक है तो अच्छा इसी हिसाब से इनके बुक्स का भी आ जाएगा टोटल सेल्स रिटर्न्स बुक अकाउंट के अंदर आएगा 7470 ये वाला जो टोटल है ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में आएगा अब ये सेल्स रिटर्न्स है तो सेल्स रिटर्न्स में आउटपुट सीजी में क्रेडिट होगा आउटपुट आईजी में क्रेडिट वो होगा एंड 518.40 होगा ठीक है सो व्हाट आई डू इज सेल्स रिटर्न्स बुक की मैं पोस्टिंग करता हूँ सेल्स रिटर्न्स अकाउंट तो यहाँ है ठीक है 2121 सेल्स रिटर्न्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो जुलाई 31 टू सनरीज पर सेल्स रिटर्न्स बुक टू सनरीज एज पर सेल्स रिटर्न्स बुक मतलब सेल्स रिटर्न्स बुक की सनरीज ठीक है ये हमारा आ गया इसको मैं हटा ही देता हूँ थोड़ा सा कम ठीक है तो दिस टोटल ऑफ सैंडीज एज पर सेल्स रिटर्न्स बुक इज 7,470 ये हो गया सेल्स रिटर्न्स अब आगे चलता हूँ सेल्स रिटर्न्स है तो आउटपुट में सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट आउटपुट डेबिट तो आउटपुट सीजीएसटी डेबिट तो यहां पर भी वही एंट्री आएगी
ये आउटपुट सीजीएसटी के अंदर हम डेबिट कर देंगे, आउटपुट सीजीएसटी में 189 टोटल ऑफ दैट। सेम थिंग हियर, सन्डीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक ये भी 189 है, दिस इज देयर। आउटपुट आईजीएसटी के अंदर भी सेम थिंग हियर, सेल्स रिटर्न बुक आउटपुट आईजी का टोटल था 518.40, ये टोटल यहां पे आ गया, दिस इज आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब पार्टीज के अकाउंट में लिखना है जिन जिनको रिटर्न किया हमने, जिन जिनको हमने सेल किया उनके रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न मनीषा गारमेंट स्टोर, ये क्रेडिट होंगे 2021, दैट इज जुलाई। ये डेट मैंने नहीं देखी, जुलाई कब की डेट रिटर्न है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स इज हाउ मच इज 4320, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय आउटपुट IGST 518.40, ये मनीषा गारमेंट का हो गया। फिर रतन गारमेंट्स गुनार से रिटर्न था 2021, यहाँ पे आएगा जुलाई का डेट मैंने नहीं देखा अभी, बाय सेल्स रिटर्न्स एंड दिस अमाउंट इज 3150। Then by output CGST, that is 189, by output GST, ये सब हमारा यहाँ पे आए। ठीक है, this is there, तो ये this is थिंग, ये हमारा परचेस रिटर्न्स की सारी पोस्टिंग हो गई। नाउ आई एम मूविंग टू परचेस रिटर्न्स, परचेस रिटर्न्स बुक में भी मैं आ जाता हूँ। परचेस रिटर्न्स बुक के अंदर हमारा हो गया गोयल फर्निशिंग हाउस 12,400 और आईजी इज 1488। फिर आ गया अल्पना गार्मेंट्स 19,200 और 2304, ये भी आईजी आ गया। एंड देन दैट्स इट। सो परचेज रिटर्न्स बुक का जो टोटल है दैट इज 31,600 एंड देन आईजी में जो जाएगा दैट इज 3792। फाइन, Now I move on to that purchase returns. Purchase returns credit होता है। यहाँ पे आ जाएगा जुलाई 31 आखिरी दिन। मैं यहाँ लिखूँगा buy sundries as per purchase returns book. Purchase returns book sundries as per purchase returns. तो यहाँ पे आएगा 31,600। देन इनपुट परचेज रिटर्न्स में हमने इनपुट और इनपुट क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों में आईजी ही क्रेडिट हो रहा है, दोनों केस में आईजी क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20,021 जुलाई 31 बाय एज पर सेल्स रिटर्न्स बुक, रिटर्न आएगा तो सुंदरी एज पर आएगा। हाँ, इसमें परचेज रिटर्न तो नहीं आएगा, परचेज रिटर्न अकेला मतलब। मैं समझ ही नहीं पा रहा, तुम्हारी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या कह रही हो फिर से साफ, या तो चैट में डालो कुछ, उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। फिर ये है गोयल फैशन हाउस, गोयल फैशन हाउस इसके डेबिट में जाएगा। डेट मैंने नहीं देखी कौन सी डेट थी वो, सेल्स रिटर्न सॉरी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 12,400। टू
आउटपुट IGST 1488 सर इनपुट IGST आएगा ना या यू आर राइट गुड मैं आपको ध्यान दे रहा हूं फिर यहां पे एक दूसरा आ गया अल्पना गार्मेंट्स टू परचेज रिटर्न्स एंड देन सेम वे इज टू इनपुट IGST इसका था 19,200 एंड देन 2,304 दिस इज द परचेज रिटर्न्स बुक की पोस्टिंग हो गई। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है कि हाँ कोई चैट में है सर यहाँ पर बाय परचेज किस अकाउंट की बात कर रहे हैं मतलब कहाँ नहीं आया बाय परचेज रिटर्न्स नहीं नहीं सर उसमें टोटल आएगा मुझे आ गया समझ ठीक है अब ये हो गया हमारे पास सेल्स रिटर्न्स बुक की भी पोस्टिंग कर दी हमने परचेज रिटर्न्स की भी कर दी सेल्स बुक की भी कर दी वो सब हो गई अब ये इनकी पोस्टिंग हमें करनी है ठीक है Now we have to post them. मुझे 5-10 मिनट और लगेगा हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग तो रेंट अकाउंट के डेबिट में टू रेंट आउटस्टैंडिंग लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग के क्रेडिट में बाय रेंट लिख देंगे तो यहाँ पर रेंट अकाउंट के डेबिट में ये डेट देखना पड़ेगी क्या था रेंट अच्छा इसमें एक करेक्शन था इसके अंदर रेंट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि रेंट के अंदर वो आएगा IGST लगता है GST लगता है तो रेंट में GST होता है 12% के हिसाब से हमें इसके अंदर GST भी लगाना पड़ेगा तो मुझे इसके अंदर लगेगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट रेंट पे लगता है लेकिन इसकी रेंज होती है लेकिन अभी आप उस रेंज वेंज में नहीं जाए अभी इस पे लगेगा आपका ठीक है तो दिस इज देयर 6% लगेगा 6% ऑफ दिस इज कितना 6 4 24 240 एंड 6 5 6 30 270 आ रहा है 6% एक बार चेक करिए जरा 270 आ रहा है तो रेंट आउटस्टैंडिंग टोटल हो जाएगा हमारा 5,0404 जो सामने वाले को रेंट देना है वो तो मुझे 4500 का ही देना तो दिस इज द रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग 4,500 ये आ गया एंड देन इसके अंदर इनपुट भी था इनपुट CGST और इनपुट IGST भी था SGST तो यहाँ पे मैं लूंगा आपका इनपुट CGST यहाँ पे ये जो डेट है वो डेट डालेंगे आप यहाँ पे आप लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट 270 और यहाँ पे भी आएगा टू रेंट आउटस्टैंडिंग सर यहाँ पर हम रेंट नहीं लिख सकते नहीं नहीं आपने को डेबिट वाले में तो क्रेडिट का लिखते हैं ना तो रेंट आउटस्टैंडिंग ये डेबिट हुआ है ना इनपुट तो क्रेडिट का अकाउंट लिखेंगे ना पर ओके सर है ना और इसी ढंग से रेंट आउटस्टैंडिंग के अंदर भी हम एंट्रीज पूरी करेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग के अंदर भी हम पूरी एंट्री करेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा हमारे पास जो भी डेट है वो देखना पड़ेगी कौन सी डेट थी उस डेट के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय रेंट अकाउंट बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST ठीक है ऐसे आया तो ये था 4500 ये था 270 ये था आपका 270 इस ढंग से ही हमारी पोस्टिंग हो जाएगी रेंट अकाउंट ये लेजर जनरल प्रॉपर के जो पहली एंट्री थी हमारी फिर जनरल प्रॉपर में हमारी जो दूसरी एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो अब ये आप जनरल प्रॉपर की पोस्टिंग कर लेंगे क्या ये बताइए यस सर
ठीक है, तो अब आप जनरल पोस्टिंग जनरल प्रॉपर पोस्ट कीजिए। और अनवी समझ में आ गया तुमको कैसे क्या करना है, जो कंफ्यूजन yes, था सर, आ गया। वो कंफ्यूजन दूर हो गया तुम्हारा ना, तो अब आप वो करके आप जो है अब आप ट्रायल बैलेंस बना के भेजिए फिर मेरे, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड देन सेंड इट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस भी आप बनाइए और ट्रायल बैलेंस आपका टैली होना चाहिए, बेस्ट तरीका है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो अच्छी बात है। खैर ये क्वेश्चन तो अपन ने सबने साथ में किया, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा और वो क्वेश्चन आपको पूरा ये सारे अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं उसके। इज दैट ओके विथ यू ऑल? यस। नहीं आप बताएं, ये आप कर लेंगे तो बस फाइन। तो अब हम मंडे को जब आप आपके पास टाइम है मंडे तक आप कंप्लीट कर लीजिए और तुम पूरा ट्रायल बैलेंस टैली कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कल ही तक, कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन जो दूसरा मुझे आपको देना है वो बना के भेज दूं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट फाइन? यस सर। ओके। आपको लेजर पोस्टिंग करते समय जो बात में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट जो है डेबिट हुआ है 36,000, तो बस ये ध्यान रखना है कि फर्नीचर अकाउंट के डेबिट के अंदर 36,000 आने चाहिए, चाहे वो एक साथ आए या दो एंट्री का टोटल 36,000 पड़े। इनपुट सीजीएसटी के डेबिट में इतना अमाउंट आना चाहिए। तो अब देखिए जब डेबिट करते हैं इस अकाउंट को तो क्रेडिट में तो यही अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू गैलेक्सी फर्नीचर हाउस ही लिख सकते हैं और तो कुछ लिख ही नहीं सकते। यहाँ पे भी मेरा जो इनपुट सीजीएसटी है उसके अंदर भी टू गैलेक्सी फर्नीचर हाउस ही मैं लिख सकता हूँ 2160 और तो कुछ नहीं लिख सकता। इसी ढंग से इनपुट एसजीएसटी है उसके डेबिट में भी मैं टू गैलेक्सी फर्नीचर हाउस ही लिख सकता हूँ और तो कुछ नहीं लिख सकता। हाँ, और एक पॉइंट और, अभी गैलेक्सी फर्नीचर हाउस टोटल इतने से क्रेडिट हुआ है 40,320 से, तो गैलेक्सी फर्नीचर हाउस का जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो उसके क्रेडिट में बाय फर्नीचर करके मैं 36,000 लिख दूं, बाय इनपुट सीजीएसटी करके 2160 लिख दूं, बाय इनपुट एसजीएसटी करके 2160 लिख दूं, तो इन सब का टोटल तो 40,320 होता है, बस हो गया। तो मैं एक साथ ही लिखूं अलग अलग उसे क्या फर्क पड़ता है, इस ढंग से आपको पोस्टिंग करनी। हाँ आप बोलो क्या क्या सर, अगर क्रेडिट में भी दो से ज्यादा और डेबिट में भी दो से ज्यादा, ये हाँ हाँ वो थोड़ा सा उसकी पोस्टिंग में ध्यान रखना पड़ता है, डेबिट में भी हो क्रेडिट में। अब जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जनरल एंट्री, उस केस में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं एक जनरल एंट्री बनाता हूँ आपके लिए, मान लीजिए थोड़ी सी समझाने के लिए, इस क्वेश्चन में तो नहीं है बाकी लेट मी मेक समथिंग फॉर यू। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोई ऐसी एंट्री देता हूँ, हाँ ये ठीक है, ओके 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 ओके, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं अपना, मेहनत से अपने बनाया ये तो आ ही जाएगा फिर इसका मतलब, ठीक है एनीवे लेट इट गो। तो ये अकाउंट ये मैंने फॉर्मेट लिया, इसके अंदर मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैं आपको दो तीन एंट्रीज डेबिट क्रेडिट दोनों कर देता हूँ। उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम यूज करना पड़ता है, कभी कभी हम कोरिलेट कर पाते हैं कभी कभी कोरिलेट नहीं कर पाते। मान लीजिए मैंने कंबाइन एंट्री कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश बैंक। मैंने ऐसा मिक्स क्यों कर दिया, ये पहले तो मुझे ऐसी एंट्री करनी नहीं चाहिए। पहले तो मुझे ऐसी कोई एंट्री करनी ही नहीं चाहिए। अब मैंने क्या किया है, हो सकता है मैं ये 6,000 ले लेता हूँ, ये 4,000 ले लेता हूँ और मैं दोनों अमाउंट को इक्वली 5,000 कैश में दिया, 5,000 में चेक से। अब मैं अगर ये नरेशन देखूं और ये एंट्री देखूं तो मैं ये बता ही नहीं सकता कि भैया क्या चीज कैश में कितना दिया और क्या क्या कॉम्बिनेशन क्या, मैं नहीं बता सकता। यहाँ ना नरेशन में मैंने लिखा है कोई कॉम्बिनेशन कि भाई ये सैलरी जो 6,000 दी गई इसमें से कैश का कितना है और बैंक का कितना है, और ये जो मैंने रेंट दिया
इसके अंदर से कैश कितना है, बैंक कितना है, ना मैंने नरेशन में लिखा है ना कुछ लिखा है। अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। एक तरीका यह है कि अगर मैं सैलरी अकाउंट बनाता हूं तो सैलरी अकाउंट के अंदर मैं यहां पे टू सन्ड्रीज लिख दूं। मैं बता ही नहीं सकता कैश क्या बैंक है, और मैं यहाँ पे टू सन्ड्रीज करके 6000 लिख देता हूँ, क्योंकि सैलरी अकाउंट में 6000 आना है तो 6000 लिख देता हूँ। अब इसमें क्या है, क्या कैश कितना बैंक को नहीं मालूम है। दूसरा तरीका यह है, इसी ढंग से रेंट अकाउंट है तो रेंट अकाउंट के डेबिट में भी मैं टू सन्ड्रीज लिख देता हूँ, 4000 रुपए। तो ये 4000 रुपए आ गया, अब कहां से आया मालूम नहीं। इसी ढंग से मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देता हूँ 22 सन्ड्रीज, 5000, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में भी लिख देता हूँ 22 सन्ड्रीज, 5000। ऐसे कर सकते, एक तो तरीका ही है। एक दूसरा तरीका भी है, कुछ लोग उस ढंग से भी करते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो अलग है, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, मैंने क्या किया। अब मैं अगर मैंने नरेशन पे ही लिखा होता कि भाई 6000 जो सैलरी दी है उसमें इतना कैश दिया, इतना बैंक दिया, तो मैं पोस्टिंग में उसको ले लेता, टू कैश करके टू बैंक करके, और कैश में बाय रेंट बाय सैलरी में लिख देता। लेकिन मैंने तो नरेशन में लिखा है ना, एंट्री में कहीं दिख समझ में आ रहा है कि 6000 में से कितना कैश है, कितना बैंक, और 4000 में कितना कैश है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम बाइफर्केशन कर सके पैसे। एक दूसरा तरीका जो है, कुछ लोग अपना उसको अडॉप्ट करते हैं, वो तरीका कुछ ऐसा है। वो तरीका ये है कि मैं सैलरी अकाउंट है अगर ये मेरा, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में मैं लिख दूं टू कैश 5000, टू बैंक 5000, और ये इसको मैं क्रेडिट कर दूं बाय रेंट 4000। अल्टीमेटली सैलरी अकाउंट में 6000 ही आए ना, 10000 से डेबिट किया और 4000 से क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली 6000 ही आए ना डेबिट में सैलरी अकाउंट में। तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। समझ नहीं आया। देखिए अकाउंट्स के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए कोई भी एक अकाउंट है, मैंने आपसे पहले भी बात बोली हुई है, अकाउंट के अंदर अगर मुझे 6000 यहाँ लिखने हैं, मैथमेटिकली लॉजिकली नहीं, मैथमेटिकली, तो 6000 ये लिखूं या 10000 4000 ये लिखूं या 100000 ये लिखूं और 94000 ये लिखूं, मैथमेटिकली अकाउंट्स वुड से कि ये तीनों चीजें सेम हैं, तीनों का बैलेंस डेबिट बैलेंस 6000 आ रहा है, तीनों अकाउंट का, ऊपर वाले का भी, बीच वाले का भी, लोअर वाले का, तो इसलिए तीनों सेम है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में सेम। और इतना ही नहीं, अगर मैं कोई अकाउंट ये बनाता हूं और इसके अंदर यहाँ पे मैंने 3000 लिख दिया, 2000 लिख दिया, 1000 लिख दिया, और सपोज 5000 लिख दिया, और यहाँ पे भी 5000 लिख दिया, ये भी सेम है, इसका भी डेबिट बैलेंस 6000 आ रहा है, तो दैट इज ऑल फाइन। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली मुझे सैलरी के डेबिट में 6000 चाहिए, तो 6000 आ गए, दैट्स इट, हो गया काम मेरा, क्योंकि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस तो 6000 का आ गया। अब आप देखेंगे आगे कि हमारे लिए बैलेंस ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हमारे लिए बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बैलेंस ज्यादा जरूरी होता है, तो बैलेंस तो 6000 का आ गया इस अकाउंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली मुझे 6000 सैलरी के डेबिट में लाना है, और अगर मुझे यही लॉजिक अप्लाई करूं तो मुझे रेंट अकाउंट के डेबिट में भी 4000 लाना है, तो रेंट अकाउंट है ये मेरा, तो रेंट अकाउंट के डेबिट में मैं लिखता हूं टू कैश, टू बैंक और बाय सैलरी। अल्टीमेटली रेंट अकाउंट के डेबिट में भी 4000 आ गए, ठीक है। तो दिस इज देयर, तो मेरा ये भी एक तरीका पोस्टिंग का। तो इसी ढंग से मैं कैश अकाउंट अगर बनाऊंगा तो कैश अकाउंट के डेबिट में बाय सैलरी 6000, बाय रेंट 4000, और डेबिट में टू बैंक कर दूं तो कैश अकाउंट के डेबिट में 5000 आ गया। इसी ढंग से मैं बैंक अकाउंट में कर सकता हूँ, तो या तो सन्ड्रीज करके लिख दूं नेट अमाउंट टोटल जो लिखना है, और या फिर ऐसा कुछ एंट्री करो, तो वो
ठीक है, मतलब मैथ लॉजिकली तो उसमें लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि हमेशा जो डेबिट साइड होता है, जो प्लस साइड होता है वो बड़ा होता है, लेकिन उसमें कहाँ हो रहा है बड़ा? हाँ बेटा ये तो सिर्फ एक ही एंट्री है ना, कैश के अंदर सिर्फ एक एंट्री थोड़ी होगी भाई। हम मैंने अगर 5,000 कैश दिया तो कैश आया भी तो होगा ना कहीं से, वो एंट्री मैंने थोड़ी दिखाई है। मैं तो आपको बस, हाँ आपने जो क्वेश्चन था ना कि अगर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं, उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे, वो मैं समझा। मैं अभी पूरा कैश सर, अकाउंट थोड़ी बना रहा हूँ, मैंने पूरा कैश अकाउंट थोड़ी बनाया, ठीक है। मैंने तो सिर्फ लेजर पोस्टिंग समझाई, जो डाउट था तुम्हारा। इज दैट ओके? यस सर, यस सर। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे भेजना, आई शुड गेट इट बाय मंडे एनी केस, ठीक है। आज जैसे आयुष ने एकदम फटाफट करके उसको, मैंने उसको कहा था कि ठीक है मैं तुम्हारा ही सॉल्यूशन 6 बजे ले लूंगा, उसने कहा था मैं ऐसे से भेज दूंगा सर आपको। मैंने कहा ठीक है, उसने बेचारे ने कोशिश करके कहीं बाहर फटाफट भेजा, दैट इज गुड स्पिरिट, अच्छा है। तो ऐसा आप भी कोशिश कीजिए और बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को भी कम्प्लीट कर लें पूरा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भेजूंगा उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो बाकी जा सकते हैं। आर्ची वुड स्टे बैक, गिरिराज विल स्टे बैक, एंड अभी कौन आया, जो अभी आए वो रुक जाएं, बाकी आप लोग जो जो जाना चाहे चले। बाकी मुझे 11th ही कंटिन्यू करनी है, तो जो जाना चाहे जा सकते हैं, जो रुकना चाहे रुक सकते हैं।